जी बज गए दोपहर के दो, और क्योंकि एडिटिंग करते करते अगर लेट हो गया था तो अभी अभी सो के उठा हूँ। पार्टी की फुल तैयारियाँ चल रही हैं और आज जो है स्पेशल खाने पकवान मंगवाए जा रहे हैं। कहाँ भाई ये बड़ी ओ ये बिरयानी कबाब बहुत सारी और सारी चीज़ें, क्योंकि आज ब्रदर की एनिवर्सरी की बढ़िया वाली पार्टी होने वाली। जरा निकाल के देखें क्या आइटम आई है। एक सेकेंड जरा, सिर्फ एनिवर्सरी नहीं, मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है ना। ओह हाँ, आपका बर्थडे तो है ही है, तो हम ये भी लाए ना। अरे 52 हो गया, 52 52 हो गए। हाँ क्या लेने जा रहे हो? कबाब तो केक, मैं फिर दाढ़ी वाड़ी सेट करूँगा। ठीक है पार्टी। हाँ जी, फ्रिज में जगह बनाओ, फ्रिज में। वेरी गुड। देखेंगे शाम को ही। शाम को ठीक है। ओह क्या बात है। नहीं ये तो वो कबाब। खाने पीने में से खाने का सामान तो आ गया, बाकी सामान लेने के लिए सर आप जा रहे हैं? मैं नहीं, बच्चे लोग जा रहे हैं पीने का सामान लेने के लिए, क्योंकि रात को फिर सांगरिया वांगरिया बननी। उधर दारू देते हैं दूध? मैं कोक दूध और रेड बुल। ठीक है ठीक है, पता है आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फर्स्ट क्लास माता जी तो बिल्कुल टीचर बन के निकली हैं एकदम। पर पुराने को बने और गया आप क्या, आपको पता है कितने कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के मेरे को मैसेज आते हैं कि दीपा मैम हमारी टीचर थी, जिन्होंने आज तक नहीं पहचाना होगा, आज साड़ी में देख के पहचान लेंगे पक्का। ठीक है, बाकी अपना फिर तैयारियां पूरी हो गई हैं पार्टी की। हो गई हैं। बढ़िया शुरू किया जाए फिर काम। करो। ठीक है। बाकी जरा मेन गेस्ट ऊपर से आ जाए, उसके बाद जरा रोटी होनी है ना, भूख लग रही है सुबह। मम्मी की इंस्पेक्शन चालू है, क्लोज ओवर वॉच कर रही है। आई तेरी की। पर जाइए ये कम सारा था, कार करना पहले। इधर बोलना भी देख के। हैं तशिका जी, आमतौर पे ऐसे ही होता है, घर लाके करते हैं या नहीं करवा सकते हो? बट करने ज्यादा मजा आता है। शीशा बन है एक्सपर्ट है इन चीजों में। आए जिनके शादी और रिसेप्शन की सजावट थी उसकी सारी तैयारी इसने करी थी। अच्छा, मैंने बनाया था सब कुछ। वेरी गुड। इसकी फील अलग है जी, अपनी छोटी-छोटी चीजों से बंदा डाले ना, एक इमोशनल वैल्यू जुड़ जाती है, फिर याद रह जाती है। हां बात तो ठीक है। तो ये पाजी साथ सज्जा जड़ी चल रही है, केक शेक इधर लगा रहेगा। मैं तो भुख वजन ही है, आपका की हिसाब किताब है? भुख मासा नहीं लगी, प्यास बहुत लगी, वेट करते पे कदों परमिशन मिले। ओ तो मेरे डट खोलने की तैयारी हैगी है। ठीक है। और ये फाइनली जो है फोटोशूट थोड़ा शुरू हो गया। मिस्टर निखिल ने कैमरा पकड़ लिया, क्योंकि यार थोड़े मॉडल हमारे पास ज़्यादा हैं, और अभी फिलहाल जो जिनको शादी करवाने का क्रेडिट जाता है मैडम को, इनकी फोटोग्राफी चल रही है, क्योंकि इनको तो भैया थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। क्यों जी, आपको कमीशन मिली थी कि नहीं मिली थी कोई? नहीं मम्मी से? नहीं
नहीं मम्मी से तो मिल गई थी। मम्मी से मिल गई? मम्मी मुंदरी दी है? मम्मी सानू तो कभी मुंदरी पवाई नहीं। साली वाली अंगूठी से दी है। अच्छा अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। कलीचड़ी कलीचड़ी बोलते हैं क्या बोलते हैं? कलीचड़ी कलीचड़ी वेरी गुड वेरी गुड। फोन में लगा जा चेरी को लेके आओ ऊपर से। टाइम हो गया? इज इट टाइम? हां हां टाइम है। परमिशन है? जा जा अच्छी तरह पकड़ के ले आइयो। वो अच्छी तरह पकड़ के ले गई। उठा के ले आ दो। मोटे चक लो मोटे चक लो। अच्छी तरह कैसे लेते हैं? प्यार से जरा। अच्छा जी ठीक है ठीक है। हां विक्रम मत बिना बना के लाओ। अच्छी तरह पकड़ के लाइयो। भाजी इससे बता रहा कितनी भूख लगी हुई थी सबको। सारा सामान चुका गया दो मिनट में। माता जी बालो 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 मारूंगी। तो जी फाइनली तैयारी पूरी हो गई है। शैंपेन वैम्पेन खोल रही है। बस केक काटने का टाइम आया। हमने सोचा आप सब लोगों को भी शामिल कर ले अपनी छोटी सी खुशियों में। और बस काटने से पहले भाई जरा आशीर्वाद आशीर्वाद ले लो। मम्मी दे दो बच्चों को। आज तो दोपहर छुए। सुन भी लिया दूसरे से कान से निकाल लिया। चलो अब मम्मी के मानो पे छुरी चलाओ। पुको पुको आ जाओ भाई। 1 2 3 हैप्पी एनिवर्सरी। मजा तो दोस्त का था। हाय हाय लो जी गिफ्ट का सिलसिला शुरू हो गया। और अपनी तो सारी काम इस चक्कर में खराब हो गया क्योंकि मेरे आज की उन्होंने वीडियो देख ली तो हमारा हो गया। कौन गेस्ट है अभी? उसको उसको तो होम डिपार्टमेंट। साउंड्स लाइक शूज। यार देखो पहली बात मेरे साइज के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और जो चीज मुश्किल से मिलती है वो नहीं कितने बात उठी है क्योंकि बहू जी के पैर का साइज है 13 नंबर। इनके जूते ही नहीं मिलते यहाँ पे। फिर भी लोगों को पैर बड़े होते तो फिर थोड़ा बहुत मिल जाता है। बट अरे यहाँ पे और मुसीबत है। तेरी जूतों की कलेक्शन दिखा दूं? अभी है नहीं यार खत्म है। अभी तो सब फेंकवा दिए। कबड़ भर के होंगे फिर भी। गेस करो कलर। गेस करूं लाल होगा लाल। नहीं कोई भड़कीला ही। पहले ये भी पूछ लो भाई जूते कौन से हैं? जूते कौन से हैं? लोफर मोस्ट प्रोबब्ली नाइकी एयर फोर्स। ओके समथिंग लाइक है नाइकी। ओके नेक्स्ट कलर। कलर काले। तेरा फेवरेट? तेरा फेवरेट ओए तेरा फेवरेट वाइट नहीं येलो। येलो बेटा ज़्यादा गैस नहीं करते। कुछ और निकला है तो बेइज्जती हो जाएगी। जॉर्डन है। किसकी? जॉर्डन है। दोनों की हो जाएगी। उसका गलत गैस करने के लिए इसका हैगा तो नाइकी था ही। ओके ओ ओ मैं देखूं। ओ काले पीड़े तेरी की। कहते हैं भाई एक दूसरे को जानना। क्या बात है क्या बात है। ये शूज ऑटवा में कहीं नहीं अवेलेबल। मैंने किया कॉल उसको उस बंदे को वो जो अच्छा। खड़ा है पूरे ओंटारियो पूरे ओंटारियो च कॉल की थी है मैं। हां किते नहीं मिलया साइज। फिर फाइनली मॉन्ट्रियल में कॉल की थी मैं। क्या चलो कॉल करके देख ले। मॉन्ट्रियल तो
इधर गया अच्छा मॉन्ट्रियल से पिकअप करके लाई मैंने उसे कॉल किया 15 मिनट में चली जा अभी और वो जूते वहां मिल जाएंगे वरना नहीं मिलेंगे पूरे टब्बर ने मेहनत करी है तो जाके बाबू जी पसंद के जूते आए हैं जी देखो जी अगर ज्यादा चीनी नहीं खाओगे तो ठीक है खाओगे शुगर तो फिर इसी से धुलाई होगी ये सिंबल है कि भाई मैं कब से ढूंढ रहा था ये मेरे साइड नहीं मिलता और गिफ्ट है इसका पेंडिंग है सेल फोन ऑर्डर कर रहा है फोन दो महीने बाद बताएंगे रेडबुल है जी रेडबुल क्योंकि मैं दारू पीता नहीं मगर बाकी सारे पी रहे हैं मगर सारे एडल्ट हैं इसलिए मैं किसी को रोकता और इंटरफेयर भी नहीं करता बट अपनी रेडबुल क्यों जी मैं नहीं पीता दारू तो वो शैंपेन की छोड़ के फॉर्मेलिटी थी शैंपेन फॉर्मेलिटी अच्छा ऐसी तो फॉर्मेलिटी भी नहीं की थी कभी देखा कितनी पी थी मैंने एक बस और जी फेज वन ओवर हो गया थोड़ी बहुत खाने की हल्की फुल्की ब्रेक भी ले ली है अब फेज टू चलेगा यानी कि निखिल का 25th बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है एक बार तो हम केक काट चुके हैं बट फिलहाल बाबूजी के लिए 25 नंबर झंडा लगा है गुब्बारे लगे हैं तो इनका केक काट के उसके बाद फिर हम अपनी थोड़ी पार्टी शुरू करेंगे मेरे ज़्यादा कुछ बोलने का फायदा नहीं हो गया खप पैनी शुरू होगी ये वैसे जी होता क्या है कि जब भी यहाँ पे कनाडा वगैरह में पार्टियाँ शार्टियाँ होती है ना तो आम तौर पे जैसे जो गोरी जनता होती है वो जाती किसी का सबको पता है यहाँ पे कोई काम करने वाली बाई वगैरह तो होती नहीं है तो इसलिए जो भी गेस्ट आते हैं सारे रल मिल के जो है साफ सफाई करवाते हैं ठीक है जी ठीक कह रहा हूँ मगर हम देसी को आदत है ही नहीं कनाडा की तो इसलिए जो अगर यहाँ पे पार्टियाँ करनी है तो जैसे ये साहब जो अपना भुगतान कर रहे हैं ये करना पड़ता है कहने का मतलब जो मेहमान आते हैं वो डालने सर्व करने ग्लास बनाने पैक बनाने इन चीजों तक थोड़ी हेल्प हो जाती है मगर उसके बाद जब एंजॉय हो जाए तो बस ठीक है और करा लो ब्याह से फंक्शन बाकी कहने का मतलब यह है कि हम आपके यहाँ आएंगे अगली पार्टी पर तो फिर हमने पांडे पुणे नहीं मांगे ठीक है डील हो गई तो इंतजार करें कब इनका हो कब इनके घर जाए हम और गंद मचाए ठीक है तो जी फाइनली बज गए हैं सुबह के 3 गपशप मारते पार्टियां करते मगर ये पार्टी की हमने एक्चुअली ज़्यादा रिकॉर्डिंग करनी क्योंकि म्यूजिक वगैरह जब चल रहा हो तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है बट अगर आप चाहें तो इनके इंस्टाग्राम चैटी एंड स्कैटी या फिर मेरे द ट्रैवलिंग देसी पे जाके बिहाइंड द सीन हमने क्या मस्ती करी है वो सब देख सकते हैं बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन